तेल संयंत्रों पर ड्रोन हमलों के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच ऐसी तलवार खींची कि दुनिया में तहलका मच गया। लेकिन फिर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने एक ऐसा बयान दिया कि लगा कि खींची हुई तलवारें अब म्यान में वापस चली गई हैं। मगर एक बार फिर से युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। जी हाँ, ईरान पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान सिर्फ वार्ता के लिए ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं देंगे। ट्रंप ने ट्वीट किया, ईरान चाहता है कि बातचीत के लिए मैं उस पर से प्रतिबंधों को हटा दूं। मैं कहता हूं कि ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। अमेरिका ईरान से प्रतिबंधों को नहीं हटाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद से खाड़ी क्षेत्रों में तनाव कम होता नहीं नजर आ रहा है। इस लड़ाई में ट्रंप ने अपने बयान से जंग की गहरी खाई खोद दी है।